महाराष्ट्र के सियासी संकट की खबर जब दिल्ली पहुंची तो शरद पवार राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर मीडिया से बात करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनसे ज्यादातर सवाल पूछे गए शिवसेना के एमएलए के गायब होने को लेकर। शरद पवार ने कहा कि पिछले 2.5-3 साल में ये तीसरी बार है जब महाराष्ट्र की सरकार को गिराने की कोशिश हुई है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अपनी पार्टी के एमएलए को संभालना शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का काम है। मुझे यहाँ की जो स्थिति है वो देखने के बाद इससे कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा, इस पर मेरा पूरा भरोसा है। वहाँ जो अंडरस्टैंडिंग है तीनों पार्टी में, इसमें शिवसेना के पास मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, डिप्टी सीएम एनसीपी के पास है, और इंफॉर्मेशन बाकी जो मंत्रालय है इसकी जिम्मेदारी सरकार के कांग्रेस के ऊपर है। जहाँ तक बीजेपी में कुछ बदलाव करना या किसी को वहाँ मौका देना वो उनका इंटरनल इश्यू है, जो शिवसेना की लीडरशिप इस पर जो कुछ तय करेंगे इसके साथ हम रहेंगे। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में वहाँ जो गवर्नमेंट चला है इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता हमें व्यक्ति नहीं। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि पहले जब भी महाविकास आघाड़ी की सरकार का संकट आया तो शरद पवार ने क्राइसिस मैनेजमेंट किया, लेकिन आज शरद पवार के बयान को देखकर लगा कि वो इस पछड़े में पड़ना नहीं चाहते। उन्होंने इससे निपटने की जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे पर डाल दी है। एकनाथ शिंदे की बगावत से शिवसेना जिस तरह बैकफुट पर आई है उससे बीजेपी के हौसले और भी बुलंद हैं। अगर शिवसेना से बगावत करने वाले सारे विधायक अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं और एकनाथ शिंदे अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी को सपोर्ट कर देते हैं तो उसकी संख्या 150 से ज्यादा हो जाएगी, जो बहुमत के लिए जरूरी 135 विधायकों से ज्यादा है। बीजेपी ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि अभी ना तो बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को कोई ऑफर दिया है, ना ही शिंदे की तरफ से कोई प्रस्ताव आया है। जहां तक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात है तो बीजेपी फिलहाल इसके लिए स्पेशल सेशन बुलाने की मांग नहीं करेगी। 18 जुलाई से मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है, तभी इसे लेकर फैसला किया जाएगा। क्या बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी? नहीं नहीं, अभी अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। अभी ऐसे कि पूरी स्थिति जो है वो जो हम कहते हैं ना अस्पष्ट है, ऐसे स्थिति में जल्दबाजी करने वाला इमैच्योर पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी नहीं है। बीजेपी की तरफ से क्या कोई प्रस्ताव एकनाथ शिंदे के पास गया है या एकनाथ शिंदे की तरफ से अभी तक प्रस्ताव गया नहीं है, कोई आया नहीं है। और पॉलिटिक्स में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो स्थिति है वो अधिवेशन में होती है, और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए स्पेशल अधिवेशन बुलाओ, ऐसी स्थिति आज निर्माण हुई है ऐसा मैं नहीं मानता। अधिवेशन 18 जुलाई से है, देखते क्या होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।